आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। बीकानेर से गुजरात मोरबी शहर में हुए हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने शहीद स्मारक पर पुनीत दाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च व श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया। पुलों का टूटने या गिरने और आगजनी जैसे हादसों से हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग लीपापोती में लगे हुए हैं क्योंकि इस हादसे में जड़ से ही भ्रष्टाचार की बू आ रही है, यही इस हादसे का कारण रहा है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार खत्म करके ही ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कांडों को रोका जा सकता है। मोरबी पुल हादसे में 150 के करीब लोगों की जान गई है और कई लोग लापता हुए हैं। सरकार इतनी निर्दय हो चुकी है कि मरीजों व पीड़ितों की तरफ ध्यान न देकर हॉस्पिटल की लीपापोती में लगी हुई है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रूटीन में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। कंपनी के निर्देशानुसार गुजरात सरकार जिम्मेदार लोगों को बचा रही है जो भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज श्रद्धांजलि सभा में खुशहाल पवार, दिनेश लखोटिया, मनीष शर्मा, राजू जाट, ऋतिक पंडित, जितेंद्र ढाल, किशन व्यास, सोहन और कई पार्टी परिवार कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीकानेर से रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी परिवार बीकानेर ने मोरबी में हुए कांड पर जो लोग दिवंगत हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप आज बीकानेर में बीकानेर के पदाधिकारी और बीकानेर की जनता ने कैंडल मार्च व आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी उन सभी पुण्य आत्माओं को नमन करते हैं और जो हालात देश में चल रहे हैं भाजपा सरकार में कि आए दिन पुल टूटना और ऐसी कई घटना होना जिससे क्या है कि मानव जीवन खतरे में सा लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो कांड हुए हैं उसका निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय हिंद साथियों।